जब भी हमें कुछ चटपटा खाने का मन होता है तो समोसे का नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, लेकिन हमें लगता है कि समोसा बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। आज के आप इस वीडियो में देखेंगे कि कम सामान में कम मेहनत से एकदम हलवाई जैसा समोसा कैसे बनाया जाता है, वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। आसान तरीके से समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 उबले हुए आलू को मैश करके ऐसे एक बोल में डाल देंगे। तो यहाँ पे आलू को एकदम फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाए, थोड़ा सा ऐसे बड़े छोटे टुकड़े रखें। फिर हम इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ता डाल देंगे। तो 4 हरी मिर्च को मैंने ऐसे अदरक कूटने वाले बर्तन में कूट लिया है, आप इसे ऐसे यूज़ करें, और धनिया पत्ता को बारीक काट लें। फिर हम इसमें 1 छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर डाल देंगे, और इसके साथ हम इसमें नमक डाल देंगे, तो स्वाद के अनुसार नमक। उसके साथ ही 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। इन सबको हम मिला देंगे। नॉर्मली जब भी हम समोसा बनाते हैं तो आलू के मसाले को भूनते हैं लहसुन वगैरह डाल के, लेकिन ये आसान तरीका है और ये आलू का मसाला बहुत ही चटपटा बनता है। तो यहाँ पर आलू का मसाला बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक बर्तन लेंगे और इसमें 1.5 कप मैदा ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैदा लिया मैंने। मैदे में हम 1 छोटा चम्मच नमक और 1 छोटा चम्मच अजवाइन डाल देंगे। अब हम इन सबको ऐसे मिला देंगे, और जैसे ही अच्छे से मिल जाएगा हम इसमें पानी डाल के इसका एक डो बनाएंगे। तो यहाँ पे ये नॉर्मल पानी इस्तेमाल करें, आप चाहिए तो मैदा को गूंदने से पहले आप इसमें 2 चम्मच तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डो को थोड़ा सा कड़ा हमें रखना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं गूंदना है। अब हम इसका समोसा बना लेंगे। तो आप चाहिए तो डो को ऐसे सूती कपड़े से ढक के 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, या तुरंत भी इसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फटाफट वाली रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे तुरंत ये लोई ले लेती हूँ, और इसके बाद चलते हैं इसे रोल करने के प्रोसेस में। तो इसे रोल करने के लिए मैंने यहाँ पर ये सूखा मैदा रखा है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आलू का मसाला जो हमने बनाया वो रखा है। थोड़ा सा बर्तन में पानी रखें। तो सबसे पहले ये जो लोई है ना, उसे ऐसे फ्लैट कर लें, और उसके बाद सूखा मैदा लगा के हम इसे रोल कर लेंगे। तो जैसे रोटी या चपाती रोल करते हैं वैसे ही रोल कर लेंगे। बस ये जो समोसा है ना, समोसे की पट्टी बनाते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इसे बहुत ज़्यादा पतला नहीं रोल करना है, थोड़ा सा थिक रखे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पतला रोल कर देंगे तो समोसे का शेप अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसे बीच से काट लें, और उसके बाद ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इसे हमें एक दूसरे के ऊपर रख के और पानी से चिपका देना है। तो यहाँ देखिए, जिस तरफ से हमने इसे काटा है उसे ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ पे ये दूसरी लेयर इसके ऊपर रख दें और ऐसे चिपका दें। तो ये हमारा समोसे का कोन बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। तो अब हम इसके सेंटर में आलू का मसाला भर देंगे। जो स्टफिंग आपको चाहिए आप वो स्टफिंग इसमें भर सकते हैं। तो आलू का मसाला डालने के बाद किनारों पे हम पानी लगाएंगे वापस। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी लगा दें, और इसके बाद इसे फोल्ड कैसे करना है, जहाँ पे हमने चिपकाया ना उसके अपोजिट वाले इस जगह को ऐसे एक पिंच करके दबा देंगे, और उसके बाद इसे बंद कर देंगे। तो इससे एकदम हलवाई स्टाइल वाले जो समोसे का शेप होता है वैसा आएगा, ये देखिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि डो को आप कड़ा रखेंगे तो समोसे अच्छे शेप में आएंगे, अगर डो को आप थोड़ा सॉफ्ट करेंगे तो ये शेप अच्छे से नहीं आएगा। तो ये देखिए, है ना एकदम दुकान जैसा समोसा। तो जहाँ पे हमने कट किया है उसी जगह को ऐसे चिपका देंगे, और उसके बाद सेंटर में मसाला रख के हम इसे बंद कर लेंगे। तो यहाँ पे अपोजिट साइड में ऐसे पिंच करना है, वापस आपको एक बार बताती हूँ, और इसके बाद इसे बंद कर देना है। तो इसी तरीके से आप सारे समोसे को बना लें। और अब हम चलते हैं इन्हें फ्राई करने के प्रोसेस में। तो इन्हें तलने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है पहले। समोसा तलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि तेल को गर्म ज़्यादा नहीं करना है, गैस का फ्लेम धीमा रखें, और जब तेल हल्का गर्म हो जाए तभी आप समोसे डाल दें। तेल जैसे जैसे गर्म होगा समोसे धीरे धीरे पकने शुरू होंगे। अगर आप इसे ज़्यादा गर्म तेल में या फिर मीडियम या हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो समोसे के ऊपर बबल्स आएंगे, और समोसा दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुरंत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप धीमी आंच पे कम गर्म तेल में अगर आप इसे ऐसे फ्राई करेंगे ना, तो समोसे आपके खस्ता बनेंगे और बहुत ज़्यादा देर तक क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ पे समोसे का जो कलर है वो गोल्डन आना शुरू हो गया है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक भी बबल्स आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये हमारा समोसा जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो आप इसे स्ट्रेनर पे निकाल लें, और यहाँ पे मैंने ये धीमी आंच पे फ्राई किया है, और इसके बाद वाला जो है वो मैं गरम तेल में और गैस का फ्लेम मीडियम करके फ्राई करके दिखाती हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए एकदम परफेक्ट दिख रहा है ना। तो अब दूसरे बैच को मैंने गर्म तेल में डाल दिया है, और इसके बाद गर्म तेल में डालते ही जब आप इसे पलटेंगे तो इसके ऊपर बबल्स दिखने लगेंगे आपको, ये देखिए दिख रहा है ना आपको।
तो जो मैंने पहले बताया ना कि अगर आप इसे धीमी आँच पे फ्राई करेंगे तो समोसे खस्ते और ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, और तेज़ आँच पे आपको ऐसे बबल्स वाले मिलेंगे। तो जिस तरीके से आपको बनाना है आप वैसे समोसा बनाएं, मैंने आपको ट्रिक बता दिया। तो ये हमारे समोसे बनके तैयार है, अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो समोसा तो सिर्फ तीखी हरी चटनी के साथ और खट्टी मीठी चटनी के साथ अच्छा जाता है, तो मैंने यहाँ पे ये समोसा रख दिया है और आप इसे तीखी हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आज की रेसिपी आपको ट्राई करने के बाद पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।